नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर शाम को वाराणसी पहुंचे और उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसके पश्चात रात्रि लगभग 11 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और इस दौरान विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। सीएम ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हो रहे निर्माण की प्रगति के बारे में पूछा और आवश्यक निर्देश भी दिया। इस दौरान विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह भी उपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण करने के पश्चात अचानक आजादी से पूर्व सन 1904 में निर्मित वाराणसी के ऐतिहासिक थाना चौक का निरीक्षण करने पहुंचे। बताते चले कि जब वे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे थे, उसी दौरान वाराणसी के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को यह सूचना मिल गई कि मुख्यमंत्री चौक थाने का निरीक्षण करेंगे। तत्काल उन्होंने क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध स्नेहा तिवारी को चौक थाने जाने का निर्देश दिया। रात्रि लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री थाना चौक पहुंचे और उन्होंने वहां निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारी चौक को निर्देशित किया कि जो भी मुकदमे 3 महीने पुराने हैं, उनकी विवेचना 1 महीने में पूरी करें। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आए उनके प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने थाना प्रभारी चौक डॉक्टर आशुतोष तिवारी से कहा कि 90 दिनों में सभी मुकदमों की विवेचना हो जानी चाहिए। आला अधिकारियों को यह निर्देश किया कि इस हेरिटेज थाने को और विस्तार दिया जाए। 3 महीने पुराने जितने हैं उनको 1 महीने के अंदर लेकर के आए। आपका सबसे पुराना मुकदमा कौन सा? इन्वेस्टिगेशन यहाँ होगा 2015 का। कुछ लोगों को लेकर के कुछ मास्टर ट्रेनर बनाओ सर, और फिर उनके माध्यम से एक अच्छी ट्रेनिंग। कल बैठे थे, अब हम कॉन्ट्रैक्ट पर ही आयोजन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से की सीधी बात। काशी में मेरा प्रयास होता है कि काशी वैसे भी हम सब की सांस्कृतिक राजधानी है, एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ ही विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में काशी के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ नया हुआ है। उन कार्यों की समीक्षा करने, निरीक्षण करने के साथ ही काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ धाम की परियोजना तेजी के साथ आगे बढ़ सके और विकास की योजनाओं के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर आम श्रद्धालु जन जिस प्रकार की भावनाएं रखता है, उस भावनाओं के अनुरूप कार्य आगे बढ़ सकें, यही एक सामान्य समीक्षा और निरीक्षण का कार्यक्रम इस दौरान हम लोगों का रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी मैंने अभी थाने का निरीक्षण किया है। 1904 की ये हेरिटेज बिल्डिंग है और
कुछ पुलिस से जुड़ी हुई उनकी अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ी हुई कुछ मामले थे उनको भी निरीक्षण किया है। आगे जो कुछ भी उसमें आगे किया जाना है इसके बारे में अपर मुख्य सचिव गृह भी मेरे साथ में हैं, उनको भी बताया गया कि इसमें जो भी उनको सुविधाएं चाहिए उनको उपलब्ध करवा करके या यहाँ पे कार्य प्रणाली के दृष्टि बेहतर कम्युनिटी पुलिसिंग की जिससे क्या कुछ हो सकता है या पुलिस के आधुनिकीकरण की जिससे क्या कुछ किया जाना चाहिए इन सब पर भी चर्चा हुई है। और मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान विश्वनाथ के दरबार में आकर के इस थाने की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिसका रोल होता है यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस हेरिटेज बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर पुलिस जनों की अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग की दृष्टि से क्या कुछ किया जा सकता है इन सब कार्यों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीजी ब्रजभूषण शर्मा, आईजी विजय सिंह मीणा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी दिनेश सिंह आदि उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।